ओके, तो शुरू करते हैं। राइटर ने एक आर्टिकल शाया किया है क्राइसिस ऑन मार्वल के नाम से, जिसमें बताया गया है कि मार्वल क्या क्राइसिस फेस कर रहा है अपने बैकग्राउंड पे, जो कि वो ऑफिशियली बता नहीं सकता, लेकिन वो रूमर्स और लीक्स के थ्रू बाहर आ रहे हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे। अगर सबसे पहली बात की जाए क्राइसिस की, तो वो है ब्लेड मूवी से। आज से 4 साल पहले ब्लेड मूवी को अनाउंस किया गया था, जिसे 3 नवंबर 2023 की रिलीज डेट दी गई थी, और इसे 4th जो इनका सेक्शन होता है उसमें रखा गया था। लेकिन आज देखा जाए तो आज 8 नवंबर मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 8 नवंबर हो चुकी है और अभी तक मूवी रिलीज़ तो बाद की बात, इसकी प्री प्रोडक्शन ही शुरू नहीं हुई। इसकी स्क्रिप्टिंग बार बार चेंज होती रही, जिसकी वजह से इन्होंने जो डायरेक्टर असाइन किया था इस मूवी के लिए वो भी इन्हें छोड़ के चला गया, और अब माशाल्लाह अली जो कि एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, 2-time ऑस्कर विनर भी हैं, वो भी इस मूवी को छोड़ने का सोच रहे हैं और मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। तो उसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, तो मार्वल की कुछ पुरानी मूवीज़ और वेब सीरीज़ अच्छी नहीं जा रही थी, जिससे उन्हें कुछ गलत चीज़ें भी फेस करनी पड़ी, काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से अब वो सोच रहे हैं जो OG एवेंजर्स हैं, जो फर्स्ट 6 एवेंजर्स हैं, उनको वापस लाने के लिए एक नई मूवी में। और ये कोई अलग से टाइमलाइन नहीं होगी, ये प्रॉपर एक उन्हें मर के ज़िंदा किया जाएगा, उन्हें मार दिया गया, उन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा किसी न किसी तरीके से, वो अभी पता नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं टोनी स्टार को और नताशा रोमानोव को वापस लाने के लिए एवेंजर्स मूवी में, ताकि वो अपनी जो ग्रिफ्ट है हॉलीवुड पे वो दोबारा पकड़ सकें। जो तीसरी बात है वो है, हम जानते ही हैं जो नासर मेजर्स ने जो कांड किए थे, अब मार्वल सोच रहा है कि कैंग डायनेस्टी को ख़त्म किया जाए और सीधा सीक्रेट वॉर्स पे ध्यान दिया जाए, और ये कैंग को रिप्लेस करना चाहते हैं डॉक्टर डूम के साथ। डॉक्टर डूम के साथ रिप्लेस तो कर लेंगे, लेकिन वो जस्टिफाई कैसे करेंगे उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कैंग एक काफ़ी अच्छा रोल एक प्ले कर चुका है, 2 लोकी सीज़न में भी देख चुके हैं, 2 सीज़न में, और उसके अलावा इसे हम काफ़ी जगह पे इसके हिंट्स भी मिले, एंटमैन क्वांटमेनिया में तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो चुका है इसका। लेकिन अब ये इनसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसे रिप्लेस कैसे करेंगे, वो देखने लायक चीज़ होगी। जो अभी मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे सामने एक न्यूज़ आई है कि मार्वल चाहता है ब्लेड मूवी को सबसे कम बजट में बनाना, मतलब $100 मिलियन में। अगर देखा जाए जो सबसे लोएस्ट बजट मूवी थी लास्ट टाइम, वो थी द इनक्रेडिबल हल्क, $137 मिलियन में वो बनी थी, और ये इस मूवी को 100 मिलियन में बनाना चाहते हैं। मतलब इस मूवी को वैसे ही वो गिव अप कर चुके हैं, या शायद वो बनाना नहीं चाहते, या जो भी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो मतलब सिर्फ बुरी चीज़ें ही नहीं हो रही, अच्छी चीज़ें भी कुछ हो रही हैं, जैसा कि लोकी सीज़न 2 लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, उसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, उसको जो इम्पैक्ट है MCU के मेन टाइमलाइन पे वो काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा इन्होंने एको का एक ट्रेलर लॉन्च किया, जिसके बारे में लोग ज़्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन वो काफ़ी ब्रूटल, और इसे PG-17 में रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि मार्वल समझ रहा है कि अब लोग कुछ ब्रूटालिटी देखना चाहते हैं, वो PG-13 से बाहर आना चाहते हैं, उसी के लिए शायद उन्होंने कुछ मूवी में ब्लड भी दिखाया, और काफ़ी डार्क टोन थी, जैसे स्नाइडर कट वगैरह की होती है, काफ़ी अच्छी टोन में ये ट्रेलर सेट किया गया है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं अपनी जो भी राय है इसके बारे में। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।